अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एसएन महमूद एंड वेलकम टू साइंस। लास्ट वीडियो में हमने सुडो क्लास लेक्चर्स को स्टडी किया था, जिसमें हमने होवर, एक्टिव, फोकस, विजिटेड, डिसेबल्ड और नॉट, nth चाइल्ड और भी काफ़ी सुडो क्लास लेक्चर्स को स्टडी किया था। आज की वीडियो में हम लेक्चर्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और स्टडी करेंगे सुडो एलिमेंट्स लेक्चर्स, जिनमें कि हम स्टडी करेंगे फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, मार्कर, सिलेक्शन, बिफोर एंड आफ्टर। इन सुडो एलिमेंट सिलेक्टर्स को हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहां पर ब्राउजर को ओपन कर लूंगा और यहां तक हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। डन। आज की वीडियो में हम इन छह सुडो एलिमेंट सिलेक्टर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे कोड एडिटर को ओपन कर लूंगा और इसको यहां पे ब्राउजर में भी ओपन कर लूंगा। यहां पे इसे क्लोज कर लूंगा और रिफ्रेश करूंगा। यहां तक हम काम लास्ट टाइम कर चुके हैं। मैं यहां से कोड को थोड़ा सा क्लीन कर लूंगा और यहां पे एक पैराग्राफ टैग ऐड कर लूंगा, जिसमें कि मैं थोड़ा सा लॉरम का टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। यहाँ पर ऑप्शन प्लस जी इसको रैप करने के लिए, और यहाँ पर ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। ऐसे सेव करूंगा और यहाँ से स्टाइलिंग में से भी जो ओल्ड हमारे स्टाइल है, ये सारा कोड आपको बेसिकली लास्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली इसे रिमूव कर दूंगा और सिर्फ पैराग्राफ टैग सेलेक्ट करके, और क्योंकि हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि हम सिर्फ टैग सेलेक्टर्स को यूज़ नहीं करेंगे डायरेक्ट, वो कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। यहाँ पर P1 क्लास मैंने ऐड की और यहाँ पर P1 से सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज मैंने 22 पिक्सल कर दिया। सेव, और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट है। यहाँ पर मैं सुडो सेलेक्टर्स को यहाँ पे मैंशन कर दूंगा। सबसे पहले हम, और ये सुडो एलिमेंट सेलेक्टर है, हमने लास्ट सुडो क्लास सेलेक्टर किए थे जिसका सिंटैक्स था सिंगल कोलन। सुडो एलिमेंट सेलेक्टर्स में डिफरेंस ये है कि इसमें डबल कोलन आता है, फर्स्ट लेटर, उसके बाद फर्स्ट लाइन, उसके बाद मार्कर, उसके बाद सिलेक्शन, फिर बिफोर और लास्टली आफ्टर। ये सुडो एलिमेंट सेलेक्टर्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेटर से। यहाँ पर होपफुली आपने गैस कर लिया होगा, इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा और एक और स्टाइल ऐड कर लूंगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट इस पैराग्राफ को फॉन्ट साइज इतना है। अब मैं इसमें फर्स्ट लेटर उसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका फॉन्ट साइज मैं डबल कर देता हूँ 44 पिक्सल, और कलर मैं कर देता हूँ रेड। ये बेसिकली आपने काफी भी जो वेबसाइट्स हैं उन पे ये इफेक्ट देखा होगा कि हमारा जो लेटर स्टार्ट होता है उसमें फर्स्ट वर्ड का जो फॉन्ट साइज होता है वो ज्यादा होता है और कुछ स्टाइलिंग की होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑब्वियसली फॉन्ट फैमिली यूज करके इसको वो भी चेंज कर सकता हूँ, सैन सेरिफ लगा के उसे चेंज कर सकता हूँ। तो ये काम इस तरह होता है। यहाँ पर हमने इसको स्टडी किया फर्स्ट लेटर। ये जो सिलेक्टर, जिस एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा उसको सेलेक्ट करेगा, इसलिए इसको एलिमेंट सेलेक्टर कहते हैं, पार्ट ऑफ एलिमेंट या कंप्लीट एलिमेंट। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे फर्स्ट लाइन सुडो एलिमेंट सेलेक्टर। फर्स्ट लाइन सुडो एलिमेंट सेलेक्टर, होपफुली आपने इसको गैस कर लिया होगा। यहां पर मैं आता हूं और उसके बाद यहां पर मैं इसे कह देता हूं फर्स्ट लाइन, और बाकी सारी चीजें मैं वैसे ही रहने देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ इसका कलर जो है वो ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एलिमेंट सेम सेलेक्ट किया और फर्स्ट लाइन उसकी सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पर मैंने उसको कलर कह दिया कि ग्रीन हो जाए। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो जो फर्स्ट लेटर था वो इस सेलेक्टर की वजह से उसका जो कलर है वो रेड ही था, क्योंकि इसकी जो प्योरिटी है वो ज्यादा है, CSS में इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और इस पे हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे कि CSS में जो प्योरिटी होती है, जो इंपॉर्टेंस है, किस सिलेक्टर को ज्यादा मिलती है। यहाँ पर फर्स्ट जो लेटर है इस सिलेक्टर की प्योरिटी फर्स्ट लाइन से ज्यादा होती है।
यहाँ पर मैंने फर्स्ट लाइन के बाकी सारे टेक्स्ट को ग्रीन कह दिया और फर्स्ट लेटर के कलर को रेड कह दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कलर है वो अकॉर्डिंगली है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा कम करता हूँ, जैसे जैसे वो निचली लाइन पे जाता है टेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि उसका जो कलर है वो ब्लैक में शिफ्ट हो जाता है। ओके, इसे मैं वापस ले आऊंगा और इसी के साथ हमारा फर्स्ट लाइन सुडो एलिमेंट सिलेक्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सुडो एलिमेंट मार्कर सिलेक्टर। सुडो एलिमेंट मार्कर सिलेक्टर बेसिकली जो हमारे पास लिस्ट एलिमेंट्स होते हैं UL या OL, उसके जो मार्कर्स होते हैं उसकी स्टाइलिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। मैं यहां पर HTML में आकर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को यहां पर क्रिएट करूंगा UL, और इसमें LI क्रिएट करूंगा LI1, और इसको रिपीट कर दूंगा 2-3 दफा, सेव करूंगा, यहां पर आके रिफ्रेश करूंगा तो ये यहां पर आपके सामने शो हो गया। सबसे पहले मैं इस UL को एक क्लास असाइन कर दूंगा UL1, और यहां पर आके .UL1 उसमें LI को फॉन्ट साइज दे दूंगा 20 पिक्सल। रिफ्रेश करूंगा, अब ये काफी विजिबल है। थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेंगे 30 पिक्सल, रिफ्रेश, और अब ये काफी इजीली विजिबल है। यहां पर ये जो मार्कर्स हैं बेसिकली इनकी स्टाइलिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास CSS में प्रॉपर्टी है मार्कर, और ये बेसिकली मार्कर जो है ये इंडिविजुअल LI एलिमेंट का है। तो हमें सबसे पहले LI एलिमेंट तक अपना सिलेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर LI, और यहाँ पर हम ये सुडो एलिमेंट सिलेक्टर लगाएंगे मार्कर, जो कि इस LI के इस मार्कर को सिलेक्ट करेगा। और होपफुली आपने गेस कर लिया होगा कि हम इससे पहले कुछ क्राइटेरिया भी डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ मार्कर सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूं कि इस जो सर्कल है इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाए, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर कलर की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, बैकग्राउंड कलर नहीं, कलर, और यहाँ पर ग्रीन। सेव, रिफ्रेश, और आप देख सकते हैं कि उसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया। यहाँ पर अगर मैं फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी यूज करके कहता हूँ कि 40 पिक्सल हो जाए, सेव, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंटर्स का कलर जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हुआ है, LI हमारे अभी भी 30 पिक्सल ही है। यहाँ पे मैं इनको 20 पिक्सल करके दिखा देता हूँ, रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि LI का जो फॉन्ट साइज है वो उतना ही है, जो पॉइंटर्स हैं उनका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका है। इस तरह आप पॉइंटर्स की जो स्टाइलिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको फर्दर कंट्रोल करने के लिए आप इसके साथ सुडो क्लास सिलेक्टर भी लगा सकते हैं, जैसे फर्स्ट चाइल्ड, सेव, और इसमें बेसिकली ये एक और कॉलन आएगा, सेव, रिफ्रेश, तो अब सिर्फ और सिर्फ वो फर्स्ट जो चाइल्ड है उसके मार्कर को सिलेक्ट करके ये एलिमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है। ये था हमारा मार्कर सुडो एलिमेंट सिलेक्टर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सिलेक्शन सुडो एलिमेंट सिलेक्टर। सिलेक्शन सुडो एलिमेंट सिलेक्टर ये बेसिकली बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सुडो एलिमेंट सिलेक्टर है। आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा कि जब आप वहां पर किसी यहाँ पर जैसे मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, तो ये बाय डिफॉल्ट क्रोम ब्राउजर का बिहेवियर है कि जो बैकग्राउंड है वो लाइट ब्लू हो गई है और कलर का जो फॉन्ट कलर वगैरह साइज वो चेंज नहीं हुआ। अगर आप इस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं कि यूजर जिस एरिया को सिलेक्ट करे उसका कलर वगैरह चेंज हो जाए, फॉन्ट साइज etc, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए CSS में हमारे पास है सिलेक्शन का सुडो एलिमेंट सिलेक्टर। मैं सबसे पहले इसे सिलेक्ट करूंगा यहां पर और कॉलन कॉलन सिलेक्शन, और यहां पर मैं कह दूंगा कि जब सिलेक्ट हो तो इसका बैकग्राउंड कलर पर्पल हो जाए और कलर इसका वाइट हो जाए। सेव करूंगा और यहां पर आके रिफ्रेश करूंगा, और अब जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो इसका कलर है बैकग्राउंड कलर वो चेंज होके पर्पल हो चुका है और टेक्स्ट का कलर वाइट हो चुका है। सिलेक्शन के सुडो एलिमेंट सिलेक्टर पे आप बैकग्राउंड कलर, कलर, कर्सर और आउटलाइन की CSS प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेसिकली फॉन्ट साइज या इस तरह की चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, अगर आप इसको लगाएंगे तो इसका कोई असर आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई असर नहीं आएगा इसका। इस पे जो वैलिड प्रॉपर्टीज हैं वो है बैकग्राउंड कलर, कलर,
उसके अलावा कर्सर और आउटलाइन, ये चार प्रॉपर्टीज इस सिलेक्शन पे वर्क करती हैं। इसी तरह बाकी जो सिलेक्टर्स हैं उन पे भी कुछ लिमिटेशन है। मीन अगर आप कोई प्रॉपर्टी लगा रहे हो और वो काम ना कर रही हो तो आप सिंपल यहाँ पर ब्राउजर में आकर उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इस सिलेक्शन को सर्च करूं और CSS sudo element इसको ऐसे लिख के सर्च करूं और यहाँ पे इनमें से किसी पे भी आप जा सकते हैं। जैसे Mozilla Developer Docs, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले, और W3 School, ये दो डॉक्यूमेंटेशंस मैंने रिकमेंड की है। यहाँ पे आप देख सकें कि यहाँ पर भी इन्होंने यही बताया हुआ है, कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट शेडो और इसी तरह ये बाकी जो प्रॉपर्टीज इन्होंने बताई हुई है, ये इसकी वैलिड प्रॉपर्टीज है। ओके, इसी के साथ हमारा जो ये सिलेक्शन का सुडो सिलेक्टर है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे बिफोर और आफ्टर सुडो सिलेक्टर। बिफोर और आफ्टर सुडो एलिमेंट सिलेक्टर ये काफी इंपॉर्टेंट सुडो एलिमेंट सिलेक्टर हैं और ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। बेसिकली जो हम फॉन्ट ऑसम, जिसको कि इंशाल्लाह फ्यूचर में यूज करेंगे आइकॉन्स के लिए, वो इसी को यूज करते हुए हमारे डॉक्यूमेंट में आइकॉन्स वगैरह इंसर्ट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक div इंसर्ट करूंगा और यहाँ पर अभी तक मैंने div इंसर्ट नहीं की तो इसको क्लास दे दूंगा div1। इसमें मैंने कोई कंटेंट पास नहीं किया। यहाँ पर आके मैं इसे div को सिलेक्ट करूंगा, विड्थ इसकी 200 पिक्सल रख दूंगा और हाइट 200 पिक्सल यहाँ पर इसकी सेट कर दूंगा और बैकग्राउंड कलर सेट कर दूंगा ताकि मैं इसको देख सकूं। यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर पर्पल सेट कर दूंगा और यहाँ पर आके इसको क्लोज करके रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारे पास बॉक्स आ गया। अब बिफोर और आफ्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब मैं आपको पोजिशन CSS में जो पोजिशन की प्रॉपर्टी है और डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है उसको डिटेल में बता रहा हूँ। अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये सुडो एलिमेंट सिलेक्टर का पार्ट है, इनको बेसिक सिर्फ यूज करके दिखा दूंगा, इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ ये एज अ सुडो एलिमेंट सिलेक्टर में आपको इनको शो कर रहा हूं। जब मैं आपको पोजीशन की प्रॉपर्टी CSS में उसको एक्सप्लेन कर चुका हूंगा तो हम वापस आएंगे बिफोर और आफ्टर सुडो एलिमेंट सिलेक्टर पे कि हम इनके साथ किस किस तरह की UI को क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर मैं इस एलिमेंट को फिर सिलेक्ट करता हूं और बिफोर का सुडो एलिमेंट सिलेक्टर लगाने के लिए डबल कॉलम बिफोर और पैरेंथेसिस स्टार्ट करके यहां पर एक प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है। अगर वो प्रॉपर्टी होगी तो ही आपको रिजल्ट शो होगा, वो है कंटेंट। और यहां पर आप कुछ भी अब लगा सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं एहसन लिख देता हूं और उसके बाद यहां पर आप इसे सेव करें और यहां पर आके रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि एहसन यहाँ पे आ गया। मैंने बेसिकली इसमें कोई कंटेंट नहीं लिखा, ये इसके बिफोर की वजह से आया। मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रिमूव हो गया है। तो CSS में ये हमारे पास एक तरीका है जिसको यूज करते हुए हम एक्चुअल टेक्स्ट और एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसको अनकमेंट किया और मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है, सॉरी कलर, वो वाइट हो जाए। सेव, रिफ्रेश, कलर वाइट हो गया और मैं बाकी सारी चीजें भी इस पे सेट कर सकता हूँ। फॉन्ट साइज इसका 30 पिक्सल हो जाए, रिफ्रेश, फॉन्ट साइज। इसी तरह आफ्टर का है, मैं इसे आफ्टर पे भी लगा के दिखा देता हूँ। आफ्टर और यहाँ पर महमूद, सेव और इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे सेव करूंगा और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महमूद भी एड हो चुका है। बेसिकली बाकी जो भी इसकी जो स्टाइलिंग वगैरह और पोजीशनिंग वगैरह, जब हम पोजीशन की प्रॉपर्टी को स्टडी कर चुके होंगे तब हम उस पर बाकी बात करेंगे। अभी इस के सिर्फ और सिर्फ आप इतना इनको समझ लें कि ये भी सुडो एलिमेंट सिलेक्टर्स हैं और इनको हम फ्यूचर की वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में जो हमने प्रॉपरली स्टडी किया वो है फर्स्ट लेटर। ये फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है या कोई भी टेक्स्ट एलिमेंट, उसके जो फर्स्ट लेटर होगा उसको सिलेक्ट करेगा। फर्स्ट लाइन, कोई भी टेक्स्ट एलिमेंट उसमें जो फर्स्ट लाइन होगी उसको सिलेक्ट करेगा। मार्कर, ये बेसिकली UL या OL में जो LIs होती हैं उनमें जो पॉइंटर हैं उनको सिलेक्ट करता है। सिलेक्शन, जो यूजर टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है हमारे डॉक्यूमेंट में उसकी स्टाइलिंग को कंट्रोल करने के लिए। और बिफोर और आफ्टर, हमने सिर्फ और सिर्फ अभी इतना स्टडी किया कि ये भी दो सुडो एलिमेंट सिलेक्टर्स हैं
जिनकी मोस्ट बेसिक फॉर्म ये है कि कंटेंट की प्रॉपर्टी और उस पर हम बाकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। इनको बाकी इंशाल्लाह इन डेप्थ हम बाद में स्टडी करेंगे जब हम पोजीशन की प्रॉपर्टी को स्टडी कर चुके। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.